चलिए हम इस रिश्ते में देखेंगे कि क्या है इस रिश्ते का इमीडिएट फ्यूचर। सो ये कार्ड्स पहले आ गए थे, तो चलिए वॉइस ऑफ ट्रूथ। तो इस रिश्ते में जो कुछ भी हिडन है, जो कुछ भी छिपा हुआ है, वो आपके सामने आएगा। आपको स्ट्रांग रहना है, अपने ऊपर फोकस करना, अपने सोल पर्पस पे ध्यान देना है, और आपके जो भी फियर है उसको रिलीज करना है। आपके मन में कुछ भी जो डर बैठा हुआ है इस रिश्ते को लेकर के, आप उस निगेटिविटी को आपको रिलीज करना है। सच जो कुछ भी छुपा हुआ है आपके सामने आना ही है, और वो आकर ही रहेगा। और आपको अपने रिश्ते में सच का साथ देना है, अपने रिश्ते से सच का अगर आप एक्सपेक्ट करें अपने पार्टनर से, तो ऐसा बहुत कम ही हो सकता है कि कुछ भी चीज़ें आपसे हिडन रहे, वो सब कुछ जो भी हिडन है वो सब कुछ आपके सामने आएंगी। और नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। दो कार्ड्स आए हैं। मरकरी का कार्ड हो सकता है यहाँ पे, तो कोई पर्सन जो है वो वर्गो हो सकते हैं। ओपन कम्युनिकेशन, अगर बहुत दिनों से आप लोगों में बात नहीं हो रही है, तो आप दोनों के बीच में काफ़ी अच्छे से ओपन कम्युनिकेशन होगा। अपने प्रॉब्लम्स के पे, अपने जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं इस रिश्ते में, उनको लेकर के आपकी बहुत ज़्यादा बातचीत होंगी। तो यहाँ पे मैसेज का कार्ड है, एट ऑफ वांड्स का कार्ड है, कि आपके लिए पार्टनर की ओर से मैसेज आ रहा है। और जो कुछ भी आपने अपने मन पे जो भारी रखा हुआ है कि इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं होने वाला है आगे, तो ये सब चीज़ें आप रिलीज़ कर दें, क्योंकि यहाँ पे रिलीज़ भी करना है आपको। जो कुछ भी आपने बोझ रखा हुआ अपने दिल पे, वो सब कुछ रिलीज़ होगा। आपके पार्टनर आपको मैसेज करेंगे, और उनके मन में जो कुछ भी बातें जो वो बोझ बना के रखे हुए हैं, जो कुछ भी उन्होंने नहीं बताया, वो सब कुछ आपको बताएंगे। और बहुत ही ज़्यादा आप पे ट्रस्ट करते हैं, इसलिए वो आपको सब कुछ एक एक करके बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग सकता है। नेक्स्ट है आर्कएंजल माइकल। आपको खुद को प्रोटेक्ट करके रखना है, आपको हेवन पे ट्रस्ट करना है, क्योंकि हीलिंग वहाँ से आ रही है, लेकिन आपको एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। हो सकता है कि आपके पार्टनर आए, आपसे एनर्जी लेकर के चले जा सकते हैं, तो इसलिए अपने एनर्जी को आपको प्रोटेक्ट करके रखना है। आप अभी बहुत ही ज़्यादा, मुझे लगता है कि निगेटिव एनर्जी में हो कुछ लोग, और कुछ लोग ऐसा लग रहा है कि जो इस एनर्जी, निगेटिव एनर्जी से बहुत ज़्यादा ऊपर उठ चुके हो। तो कुछ लोगों के लिए है कि जो निगेटिव एनर्जी से डील कर रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए है कि वो बहुत ही ज़्यादा हायर वाइब्रेशन में चले गए हैं। तो आपको जो है वो एंजल सेव कर रही है, आपको बताना चाह रही है। और इस फ्यूचर में ये जो रिश्ता है वो बहुत ही ज़्यादा एंजल के द्वारा प्रोटेक्टेड है, हेवन के द्वारा प्रोटेक्टेड है, और यूनिवर्स के द्वारा प्रोटेक्टेड है। आप लोग क्लोज आएंगे, और अपने डिवाइन के साथ क्लोज आएंगे, अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ क्लोज आएंगे, और मिरेकल्स आपके लाइफ में बहुत जल्द होने वाले हैं। तो ये थी इमीडिएट फ्यूचर, एंड क्वेन का कार्ड आया है। क्वेनिन यानी फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग रहने वाली है, लेकिन ये फेमिनाइन एनर्जी जो है बहुत स्ट्रांग रहने के बावजूद जो है वो बहुत ही ज़्यादा केयरिंग लविंग हो सकती है। जो भी ये व्यूवर्स हैं वो फेमिनाइन एनर्जी में हो सकते हैं, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत, केयरिंग और कंपैशनेट हो सकती है अपने पार्टनर को लेकर के, और बहुत ही लविंग हो सकती है। तो आपके पार्टनर के लिए की तरफ से जो है ये भी मैसेज है कि उनका जो हर्ट चक्र है वो खुल चुका है, वो मैस्कुलाइन से फेमिनाइन एनर्जी में कन्वर्ट हो चुके हैं, और वो जो कुछ भी इस रिश्ते में, जो कुछ भी उनके सही लगेगा वो करने के लिए वो अब रेडी है। और अगर आपको लगता है कि ये आपके पार्टनर आपको ध्यान नहीं दे रहे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो आपको बहुत ही इमोशनली लव करते हैं, प्यार करते हैं, आपकी ब्यूटी से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस है। तो बहुत ही जल्दी यहाँ पर जो है राइट टाइम आ गया है कि अब वो उनका प्यार का ऑफर आपकी तरफ आ सकता है, क्योंकि आपकी ब्यूटी से, आपकी पर्सनालिटी से, और आपके जो यहाँ पर जो उससे कि मैंने बताया कि कुछ जो है वो उन्होंने अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया। तो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन जो है वो चेंज होकर के वो फेमिनिन एनर्जी में चले आए हैं, और इस तरह से आपकी ओर आने के लिए तैयार हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।